जिसने इस मूवी को बनाया ना, उसको मैं कह रहा हूँ उसको अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। कि भाई इसमें कुछ भी मायने नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा स्टार कास्ट देखने को मिलता ही नहीं है, सिर्फ चार लोगों के भरोसे ये फिल्म चल रही है, ठीक है, लेकिन दम है इसकी स्टोरी में, इसके कंटेंट में, इसका जो प्लॉट है, आपको देख के पूरा फील होगा यार किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से ट्विस्ट बनाए गए हैं यार, एकदम हटके है यार, एकदम माइंड से खेल गया ये फिल्म। हेलो वर्सेस, मेरा नाम है राज और आज मैं आपके सामने एक ऐसी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप 100% कहोगे कि कैसी मूवी बताई है राज भाई। हाल ही में अजय देवगन की आई हुई रुद्रा सीरीज, वो भी थ्रिल से भरी थी, लेकिन कसम से कह रहा हूँ आप इस मूवी को एक बार देख लीजिए, आप सारे साइको किलर मूवी भूल जाओगे। भाई इसका जो प्लॉट है, इसकी जो स्टोरी है भाई, मतलब क्या बोलो, फाड़ के रख दिया, हिला के रख दिया है पूरा, कसम से कह रहा हूँ। अगर इस मूवी को देख के आपके तोते नहीं उड़ गए तो गारंटी है, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, गारंटी है मेरा नाम बदल देना। एक्चुअली जिस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस मूवी का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा और उसकी कोई चर्चा भी नहीं है, और ऐसी मूवी को हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। क्यों, मैं आपको पूरी बात बताऊँगा इस मूवी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस मूवी का नाम है सीताराम केस नंबर 18। ये केस नंबर 18 है क्या? तो फिल्म शुरू होती है उधमपुर के गांव से, और इस फिल्म के लीड एक्टर राघवेंद्र एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे होते हैं। ये एक बायोपिक स्टोरी है, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है, कसम से कह रहा हूँ आपके दिमाग के साथ ये फिल्म खेल जाएगा, गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ आपके दिमाग के साथ ये खेल जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में ज्यादा स्टार कास्ट देखने को नहीं मिलती, इस फिल्म में ना आपको ज्यादा एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, ना ही कोई एक्ट्रेस। इस फिल्म में सिर्फ चार कैरेक्टरों के वजह से इस फिल्म को पकड़ के रखा गया है, और कसम से कह रहा हूँ ये फिल्म इतनी आउटस्टैंडिंग बनी है, इतनी आउटस्टैंडिंग कि मेरे पास इसको बोलने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं इस मूवी की कितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है, बहुत कम। राघवेंद्र सर अपने सिटी में कोई केस सॉल्व कर रहे थे छोटा मोटा, उसी वक्त उनको ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है उधमपुर गाँव में, और उधमपुर गाँव पहुँचते ही, और सिलसिला शुरू होता है यहीं से, उधमपुर गाँव में चोरी और रॉबरी की पूरी दहशत फैली हुई है। उधर चोरी और रॉबरी की इतनी दहशत है कि वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ हो चुका है। हालांकि इस केस में किसी का भी मर्डर नहीं हुआ है, चोरी के मामले में किसी का भी मर्डर नहीं हुआ है, सिर्फ चोरी हुआ है। उसके बाद इस केस को सॉल्व करने के लिए राघवेंद्र सर को हायर किया जाता है, और वो इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा करके मैं बता दूँ कि राघवेंद्र सर इस फिल्म में आधा से ज़्यादा फिल्म में सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचने का काम करते हैं, उनको आधा फिल्म में सिर्फ सोचने का ही काम दिया गया ऐसा लगता है। बट उनके सोचने का जो तरीका दिखाया गया है और उनकी जो सोच है, कसम से कह रहा हूँ उस चीज़ को देख के आपको अंदर से बहुत कुछ फील होने वाला है, और आप एक मिनट के लिए उस फिल्म से अपनी नज़र बिल्कुल भी नहीं हटा सकता, ये मेरी गारंटी है। जहाँ पुलिस वाली की सोच बहुत ज़्यादा तेज़ होती है क्रिमिनल्स को पकड़ने में, वहीं पर आजकल के टाइम पे चोरों की भी सोच 50 गुना पुलिस से 50 गुना ज़्यादा ही होती है। पुलिस की सोच से ज़्यादा यहाँ पे चोर की सोच बहुत ज़्यादा आगे है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में सिर्फ चार लोगों को लेकर इस फिल्म को तैयार किया गया, आपको ऐसा लगता है, एक्चुअली में भी ऐसा ही है, ठीक है। ये फिल्म सिर्फ चार इंसान के भरोसे चल रही है, कितनी कोशिश करने के बाद भी राघवेंद्र सर उन चोरों को पकड़ नहीं पाते, और उसी टाइम पर एक नया ट्विस्ट निकल के आता है जो इस फिल्म को और पावरफुल बना देता है। क्या है वो ट्विस्ट, जान लीजिए देख के। इस फिल्म में आपको 3-4 ट्विस्ट दिखाए जाएंगे जो कि इस फिल्म की बहुत अहमियत है। इस फिल्म में जो ट्विस्ट डाले गए हैं वो ट्विस्ट इसमें और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देता है। एक्चुअली आप जब उस ट्विस्ट सीन को देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। हालांकि इसकी आधी फिल्म खत्म होने तक केस नंबर 80 का कोई भी जिक्र नहीं होता इस फिल्म में, बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया जाता है। तभी राघवेंद्र सर को एक अनोन कॉल आता है, वो अनोन इंसान कौन होता है, कहाँ से होता है, कुछ पता नहीं, और वो अनोन कॉल वाला इंसान बताता है कि वो चोर कहाँ पर हैं, और राघवेंद्र सर अपने टीम के साथ उन चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और इन सब के बीच ही हमें एक बड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है जिसकी हमने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। क्या है वो,
इस फिल्म में करीब करीब एक घंटा निकल जाता है सिर्फ उन चार लोगों को दिखाते हुए, चार लोगों को प्रेजेंट करते हुए। लेकिन इस फिल्म में ये कहीं भी नहीं बताया गया, कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि तेरी इस फिल्म में कोई एक इंसान और भी है जिसकी कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। देखो इस फिल्म का जो पांचवा इंसान है उसको क्लाइमैक्स में ही दिखाया जाता है, बाकी आधे से ज़्यादा फिल्मों में उसका कोई जिक्र नहीं है, जिसकी कड़ी केस नंबर 80 से जुड़ी हुई है। और उस इंसान को इस पूरे फिल्म में काफ़ी देर तक इसमें छुपा के रखा जाता है, और उस एक इंसान के वजह से ये फिल्म बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बात करूँ इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको बहुत बढ़िया फील करवाएगा, अंदर से डराने पे थोड़ा मजबूर करेगा। क्यों? देखो ये एक क्राइम थ्रिल मूवी है, आपको पता ही होगा क्राइम थ्रिल मूवी में उस टाइप का डार्क टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता, और परफेक्टली एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो इसमें डाला गया है वो एकदम सही डाला गया है, एकदम परफेक्ट फिट होता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक, सुन के आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको डर कहीं ना कहीं इस बैकग्राउंड म्यूजिक से फील होगा। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखने के लिए बैठोगे, कसम से कह रहा हूँ आपके दिमाग के साथ खेल जाएगा ये फिल्म, गारंटी है खेल जाएगा। एक्चुअल में जो आपको इस फिल्म में दिखाया जाता है, आप भी सोचोगे कि ये एक्चुअली वही हमारे सामने जो प्रेजेंट किया गया वही सही है, वो एकदम सही चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में होता कुछ और है, कहानी कुछ और है, जो आपके सामने दिखता है वो होता नहीं, इसमें ऐसा साफ साफ दिखाया जा रहा है। अगर आप इस फिल्म के बारे में पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और देखो भाई ऐसी मूवी बहुत कम आती है, ऐसी मूवीज़ हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। बहुत सालों बाद एक और ऐसी थ्रिल मूवी देखने को मिली है जिसमें हमें अंदर से बहुत ज़्यादा फील करवाया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल नया इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।